नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन भूटान, और वो भी वैल्यूएशन के हिसाब से शॉर्ट की हुई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ रेट के हिसाब से शॉर्ट की हुई टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन भूटान। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ रेट के हिसाब से जब हम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड्स इस पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। और अगर अंत में आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करके हो सके उतना शेयर ज़रूर करिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 20 है फ्रेश और चिल्ड पीस। अगर आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या तो सोर्स कर सकते हो, ट्रेडिंग करते हो, डायरेक्ट फार्मर्स के साथ आप अप्रोच कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 2021 की वैल्यूएशन दी हुई है USD thousands में, और एनुअल ग्रोथ रेट दिया हुआ है 2017 से लेके 2021 में परसेंटेज के हिसाब से पर एनम, राइट। तो ये जो है ये 427% के हिसाब से एक बहुत ही सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं लास्ट 5 years के ड्यूरेशन में। प्रोडक्ट नंबर 19 है ड्राइड शेल्ड चिकपीस, राइट। तो ये भी एक बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट है, अगेन एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। अगर आप डायरेक्ट सोर्सिंग कर सकते हो फार्मर्स के थ्रू, तो येस देर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज भूटान में, बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है 430% के ग्रोथ रेट के साथ। ये है हमारी इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 19। अब प्रोडक्ट नंबर 18 की बात करें तो बॉल्स एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेटेबल टेनिस बॉल्स। यहाँ पे पिक्चर्स जस्ट आपको रेफरेंस पर्पस के लिए दिए हैं, और आप इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली अगर सर्च करने हैं तो आप इस प्रोडक्ट की जो सारी डिटेल्स है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मौजूद है, आप वहाँ से जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं और डेफिनेटली इसके बारे में आगे रिसर्च कर सकते हैं। 433% के हिसाब से इस लिस्ट की ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 18। प्रोडक्ट नंबर 17 की बात करें तो 439% के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और प्रोडक्शन मीटर्स, मीटर्स की बात हो रही है, और स्पेसिफिक ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के मीटर्स और प्रोडक्शन मीटर्स की बात हो रही है 439% के ग्रोथ रेट के साथ। ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 17। प्रोडक्ट नंबर 16 की बात करें तो ब्लैंकेट्स एंड ट्रैवलिंग रग्स ऑफ वुल और फाइन एनिमल हेयर। ये वुलन ब्लैंकेट्स और ट्रैवलिंग रग्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली 464% के ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 16। अगर आप फैब्रिक इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हो या बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली 464% इज कंसिडरेबल ग्रोथ रेट टू गो विथ। प्रोडक्ट नंबर 15 है मशरूम्स एंड ट्रफल्स। मशरूम्स एंड ट्रफल्स की बात हो रही है 465% के ग्रोथ रेट के साथ। ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 15। प्रोडक्ट नंबर 14 है स्लीपिंग बैग्स वेदर और नॉट इलेक्ट्रिकली हीटेड, 489% के ग्रोथ रेट के साथ। ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 14। प्रोडक्ट नंबर 13 की बात करें तो 499% यानी कि ऑलमोस्ट 500% के ग्रोथ रेट के साथ स्टिल्थ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर की बात हो रही है, और ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 13। प्रोडक्ट नंबर 12 बेबीज के गारमेंट्स और क्लोथ्स एसेसरीज ऑफ कॉटन नीटेड और क्रोच्ड, 12th प्रोडक्ट है, और 501% की एक्सट्रीमली अच्छी सही ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 12। इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 11 है सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ अ काइंड यूज्ड इन ल्यूमिनोफोरस वेदर और नॉट केमिकली डिफाइंड। प्रोडक्ट नंबर 10 की बात करें तो ट्राई एथेनोलेमाइन, और ये है 505% के ग्रोथ रेट के साथ। यस देयर इज अ ह्यूज डिमांड, क्योंकि 505% के ग्रोथ रेट डेफिनेटली एक सही ग्रोथ रेट कह सकते हैं और कंसिडरेबल प्रोडक्ट कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वैल्यूएशन इसकी ज़रूर कम है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो और डेफिनेटली इसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाए। प्रोडक्ट नंबर 9 अगेन बेबीज के गारमेंट्स एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स, राइट। पहले वाला जो प्रोडक्ट था वो कॉटन मटेरियल्स का था, और ये है टेक्सटाइल मटेरियल्स और नीटेड और क्रॉच्ड, कोई भी जो है वो चल सकता है। यहाँ पे आपको डिटेल्स में रिसर्च करना हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है। 533% के ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 19। ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 9। प्रोडक्ट नंबर 8 की बात करें तो फ्रेश और चिल्ड पोटैटोज। अगेन अगर आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के साथ हो तो डेफिनेटली पोटैटोज आर समथिंग
टू कंसिडर, बिकॉज 616% के ग्रोथ रेट और एक बहुत ही सही वैल्यूएशन के साथ आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट ऑलवेज इन डिमांड रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में। प्रोडक्ट नंबर 7 की बात करें तो ये केमिकल कंपाउंड है और सल्फाइड्स कहते हैं, तो अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट जो है वो कंसिडर करनी चाहिए। प्रोडक्ट नंबर 6 की बात करें तो शॉल्स, स्कार्फ्स, मफलर्स, मेंटिलास, व्हील्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स, अगर आप विंटर वेयर के प्रोडक्शन में हो, विंटर वेयर के लिए सोर्सिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो डेफिनेटली देर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। 637% के एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 6। प्रोडक्ट नंबर 5 की बात करें तो मशीनरी फॉर पब्लिक वर्क्स एंड बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आती है ऐसी सारी मशीनरीज की भी वहाँ पे बहुत ही सही डिमांड है। 724% के ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 5। प्रोडक्ट नंबर 4 की बात करें तो कोकोनट अबाका मैनिला हेम्प और मूसा टेक्सटाइल नी, अगर इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिसर्च करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे जाके गूगल में सर्च कर सकते हो और प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको इंडिया में बहुत सही सोर्सिंग मिल सकती है, अगर आप सही से ट्राई करें सोर्सिंग ढूंढने की तो डेफिनेटली साउदर्न स्टेट्स में इसकी आपको बहुत ही सही सोर्सिंग मिल जाएगी और डेफिनेटली आपको क्वांटिटी में भी, तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोट करिएगा। 853% के ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 4। प्रोडक्ट नंबर 3 की बात करें तो आर्टिकल्स फॉर इंटीरियर फर्निशिंग्स ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स, टेक्सटाइल मटेरियल्स की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटीरियर फर्निशिंग्स में काम आती है तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आप देख सकते हो 928% के ग्रोथ रेट के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 3। प्रोडक्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी फर्नेसिस, फर्नेसिस के जो भी पार्ट्स रहते हैं असेंबलिंग में तो उन पार्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। 954% के साथ ये है हमारी प्रोडक्ट नंबर 2। अब प्रोडक्ट नंबर 1 पे आने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रोडक्ट नंबर 1 पे। प्रोडक्ट नंबर 1 है फ्रेश और चिल्ड ऑनियंस एंड शैलॉट्स, येट अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली देर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। आप देख सकते हो 1016% के ग्रोथ रेट के साथ ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 1। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली ग्रोथ रेट के हिसाब से ऑनियंस है भूटान में, तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप रेगुलरली लाइम इंस्टीट्यूट से ऑलवेज आपको मिलते रहेंगे और अगर आप इन डेप्थ वे से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं तो लाइम इंस्टीट्यूट जो है वो प्रैक्टिकल मैनर से एक सारी चीज़ें जो है वो सिखाता है। स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।